ये घटना है 2003 की, मतलब करीबन आज से 10 साल पहले। अर्जेंटीना में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था जूलिया। ये छुट्टियां मनाने के लिए अपनी नानी के घर गई थी और उसकी नानी का जो घर था वो काफी घने जंगलों के बीच में था, मतलब बेसिकली वो एक फार्म हाउस था। तो एक दिन शाम के समय टहलते टहलते जूलिया जंगल में काफी ज्यादा अंदर तक चली गई और इस सुनसान जंगल में घूमते फिरते उसे अचानक एक घंटी की आवाज सुनाई दी। पहले तो जूलिया को लगा कि शायद ये किसी जानवर के गले में बंधी हुई घंटी की आवाज हो सकती है, लेकिन जब ये आवाज लगातार जूलिया के कानों में पड़ती रही तो जूलिया को समझ में आया कि ये घंटी का साउंड बिल्कुल वैसा है जैसा कोई इंसान जानबूझकर घंटी को लगातार बजा रहा हो। तब जूलिया ने इस घंटी के साउंड को ध्यान से सुना। उसे समझ में आया ये किसी जानवर के गले में बंधी हुई घंटी की आवाज नहीं है, ये बैल का साउंड बिल्कुल वैसा है जैसा कोई इंसान जानबूझकर लगातार बैल को बार बार बजा रहा हो। क्योंकि जूलिया इस जंगल में बचपन से आ रही थी तो उसे मालूम था इस इलाके में और इस जंगल में आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते। तो जूलिया ने उस घंटी के साउंड का पीछा किया और वो पहुंच गई एक ऐसी जगह पर जहां जंगल में एक कब्र बनी हुई थी और उस कब्र के ऊपर एक घंटी लगी थी, लेकिन वो बज नहीं रही थी। ये नजारा देखकर जूलिया थोड़ी सी शॉक्ड हो गई कि कब्र के ऊपर आखिर घंटी क्यों लगाई गई है। जब बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उस घंटी में कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो जूलिया को लगा शायद उस समय तेज हवा की वजह से घंटी हिली होगी और उसमें से ऐसा साउंड आया होगा जैसे कोई उस घंटी को बजा रहा है। जब जूलिया वापस जाने लगी तो अचानक से वो घंटी फिर से बजने लगी। ये नजारा देखने के बाद जूलिया काफी ज्यादा डर गई। वो तुरंत भागती हुई अपनी नानी के घर पर वापस आई और उसने ये सारा किस्सा अपने घर वालों को सुनाया, लेकिन घर वालों ने इस मामले की तह तक जाने की बजाय जूलिया को उस जंगल से और उस जगह से दूर रहने की सलाह दे दी गई। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कब्र के ऊपर घंटी क्या कर रही थी, आखिर वो घंटी कौन बजा रहा था, जूलिया के साथ जो हुआ क्या वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, और आखिर वो जंगल में मौजूद कब्र किसकी थी। तो मैं आपको बता दूं कि कब्रों के ऊपर लगाई गई घंटियों का इतिहास काफी ज्यादा पुराना है और कब्रों के ऊपर घंटी लगाए जाने की वजह काफी ज्यादा डरावनी है। तो जानते हैं इस डरावनी हकीकत को और शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। सोचिए आपकी आंख एक अंधेरी जगह में खुले, आपको जिंदा एक कब्र के अंदर दफना दिया गया है जहां आपके पास सांस लेने के लिए ताजा हवा नहीं है, कोई रोशनी नहीं है और आप जमीन में 5 फीट अंदर गड़े हुए हो लकड़ी के एक छोटे से ताबूत के अंदर। मतलब ये सारी चीज सोचकर ही कितना ज्यादा डर लगता है, लेकिन ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, इतिहास में ऐसा पहले हुआ करता था। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ पीपल हु गॉट बरीड अलाइव तो आपको एक काफी लंबी लिस्ट मिल जाएगी ऐसे लोगों की जिन्हें जिंदा अपना दिया गया था गलती से। लेकिन आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? बेसिकली पुराने जमाने में मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, डॉक्टर्स के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो ये पता लगा पाए कि एक इंसान जो सामने लेटा हुआ है वो एक्चुअली में मर गया है, बेहोश है, कोमा में है, जिंदा है या क्या है। तो जब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं भैया, तो कोई इंसान अगर अपनी आंखें बंद कर लेता था, कोई मूवमेंट नहीं करता था, तो लोग उसकी दिल की धड़कन और उसकी सांसों को चेक करके बता देते थे कि भैया ये इंसान जिंदा है या नहीं। लेकिन ये टेक्निक हमेशा सही से काम नहीं करती थी और इसी वजह से एक ऐसी घटना हुई इतिहास में जो काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली है। ये घटना 19वीं शताब्दी में एलिस नाम की लड़की के साथ हुई थी। उसने बहुत ज्यादा पॉपी टी पी ली थी, पॉपी टी नहीं पॉपी टी। ये जो पॉपी टी है ये खास तरीके के हर्ब से बनती है और इसे पीने के बाद इंसान को होश नहीं रहता, और एलिस ने भैया ये वाली चाय को ज्यादा ही पी ली। उसके बाद उसने अपनी कॉन्शियसनेस को खो दिया, बेहोश हो गई वो। काफी देर तक जब एलिस होश में नहीं आई तो डॉक्टर्स को बुलाया गया और डॉक्टर्स ने एलिस की पूरी जांच करने के बाद उसके घर वालों को ये बताया कि एलिस अब इस दुनिया में नहीं रही है। ये पूरी प्रोसेस चल रही थी, एलिस को उठाकर ताबूत में डाला जा रहा था, सारे रीति रिवाज रिचुअल परफॉर्म किए जा रहे थे, लेकिन एलिस को अभी तक होश नहीं आया था क्योंकि वो एक्चुअली में मरी ही नहीं थी, वो केवल बेहोश थी। अब चूंकि डॉक्टर्स की पर पूरी फैमिली ने विश्वास कर लिया था तो सारी फैमिली काफी दुखी थी कि एलिस अब नहीं रही और उसको दफना दिया गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। 2 दिन गुजर गए, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, तभी अचानक उस कब्रिस्तान के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे जिन्हें जमीन के अंदर से एक औरत के रोने की और चीखने की आवाजें आई। वो बच्चे भागते हुए गए, अपने घर वालों को बताया, पूरे मोहल्ले वालों को बताया, पूरे टाउन को बताया। सब लोग लौट कर आए, देखा तो हाँ वाकई में जमीन में से एक डरावनी सी चीख की और रोने की आवाजें आ रही थी। अब चूंकि ये आवाजें एलिस की कब्र के पास से ही आ रही थी जिसे 2 दिन पहले ही दफनाया गया था, तो लोगों ने फैसला किया इस कब्र को खोलकर देखने का। जब कब्र को खोलकर देखा गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। एलिस खून से लथपथ थी, पूरी तरह से घायल थी, उसके नाखून टूट चुके थे। अब एलिस का ये हाल क्यों हुआ था? क्योंकि उसने करीब
तकरीबन लगातार 2 दिन तक खुद को कब्र से बाहर निकालने की जी तोड़ कोशिश की और इन कोशिशों के दौरान वो खुद ही घायल हो गई। फाइनली उसे कब्र से बाहर निकाल लिया गया। उसकी सांसें चल रही थी क्योंकि उसका नशा उतर चुका था, वो होश में आ गई थी। और इसीलिए कहते हैं भैया नशा नहीं करना चाहिए, एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय यानी नशा मुक्ति संस्था। अब भैया एलिस कब्र से बाहर आ गई थी, एलिस भी खुश थी और उसके घर वाले भी खुश थे, लेकिन चूंकि एलिस ने लगातार 2 दिन तक इतना ज्यादा संघर्ष किया था, वो लगातार 2 दिन तक कब्र के अंदर भूख प्यास से तड़पी थी, बहुत ज्यादा घायल थी, तो कब्र से बाहर निकलने के 1 घंटे बाद ही उसकी सच में मौत हो गई। लेकिन जब फिर से डॉक्टरों ने चेक किया और बताया कि भैया अब ये सच में मर गई है, तो घर वालों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा अब तुम्हारी बात पर हमें विश्वास ही नहीं है, तुम फिर से हमारी लड़की को जिंदा दफन करवा दोगे। काफी घंटों तक इंतजार करने के बाद जब एलिस को होश नहीं आया तो फाइनली उसके घर वालों ने फिर से एलिस को दफनाने का फैसला किया और इस बार एलिस सच में मर चुकी थी। लेकिन उसके घर वालों ने एक गार्ड को उसकी कब्र के पास में बिठा दिया और कहा कि तुम्हें लगातार 2-3 दिन तक इस कब्र के पास बैठे रहना है, कि अगर मान लो एलिस फिर से होश में आ गई, उसने आवाज लगाई, तो तुम तुरंत हमको बता देना। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि एलिस सच में ऊपर जा चुकी थी। गार्ड को ना किसी के रोने की आवाज आई, ना कोई चीखने की आवाज आई। लेकिन ये जो घटना एलिस के साथ हुई थी ये काफी ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि डॉक्टर की एक छोटी सी गलती की वजह से उसे 2 दिन तक कब्र के अंदर रहना पड़ा था, जिसकी वजह से उसे ऐसा सदमा लगा कि उसे सच में ही कब्र के अंदर रहना पड़ गया। अब तुम बोलोगे गौरव भाई पहली वाली जो घटना बताई थी जहाँ पर कब्र के बाहर एक घंटी लगी थी जो बज रही थी, और ये लड़की वाली घटना, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? तो बेसिकली कनेक्शन ये है कि पुराने जमाने में जब लोगों के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी जहाँ पर ये पता लगाया जा सके कि कब्र में दफनाया जाने वाला इंसान अभी सच में मर चुका है, तो लोगों ने इस चीज को पता लगाने की एक निंजा टेक्निक निकाली। ताबूतों की नई नई डिजाइनें लॉन्च की गई, जिनमें से की एक डिजाइन है ये, यहाँ पर भैया ताबूत के साथ लगा हुआ है 1 घंटा और उसकी रस्सी गई हुई है कब्र के अंदर, कि अगर दफनाया गया इंसान फिर से होश में आ जाता है तो वो इस रस्सी को खींच कर घंटी को बजा सकता है और घंटी की आवाज से ये पता चल सकता है कि अंदर जो इंसान है वो जिंदा है। लेकिन कुछ लोगों ने और दिमाग लगाया, उन्होंने कहा केवल घंटी से काम नहीं चलेगा, उन्होंने ताबूत की ऐसी डिजाइन निकाली जिसके अंदर एक ऐसा पाइप लगा था, एक ऐसा छेद था जिससे रोशनी आ सके, ताबूत में एयर वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम लगाया गया ताकि भैया अंदर जो इंसान है वो अच्छे से सांस ले सके, और एक और पाइप लगाया गया जिससे भैया सामने वाला इंसान चीख के चिल्ला के अपनी आवाज को बाहर तक निकाल सके, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अंदर कोई जिंदा इंसान फंसा हुआ है। लेकिन इस टेक्निक ने भी काम नहीं किया, क्योंकि भैया ये जो इतने सारे छेद थे ताबूत में उसमें से कीड़े अंदर घुस जाते थे। तो अलग अलग तरीके के ताबूतों की डिजाइन बनाई गई, लेकिन सबसे सक्सेसफुल डिजाइन जो थी वो थी घंटी वाली, और बाद में इसी को कंटिन्यू किया गया एक लंबे समय तक। तो जिन लोगों की मौत भी ऐसी कंडीशन में होती थी जहां पर ये पता लगाया जाना मुश्किल हो कि सामने वाला व्यक्ति सच में मर चुका है, उसको ऐसे ताबूत में दफनाते थे जिसमें 1 घंटी लगी हुई होती थी, और जूलिया को अपने नानी के घर के पास के जंगल में जो कब्र मिली थी वो भी ऐसी ही एक कब्र थी जिसके पास इंटेंशनली 1 घंटी लगाई गई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये कब्र जो थी वो करीबन 150 साल पुरानी थी, और 150 साल तक तो कब्र के अंदर कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, कब्र के बाहर भी जिंदा नहीं रह सकता भैया, क्योंकि इंसान 100 साल ही जीता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस कब्र की घंटी को कौन बजा रहा था। पहले मैं आपको जनरल नॉलेज का एक फैक्ट बता देता हूँ, टैफोफोबिया ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है कि ऐसा डर, एक ऐसा फोबिया जिसमें इंसान को ये लगता है कि उसको जिंदा दफना दिया जाएगा, क्योंकि पुराने जमाने में ऐसी घटनाएं अक्सर हुआ करती थी, और जो बहुत पैसे वाले लोग होते थे उनको तो ये डर सबसे ज्यादा होता था कि कहीं गलती से हमें जिंदा ना दफना दें, जिसके लिए वो अलग अलग महंगी सी महंगी डिजाइन के ताबूत बनवाते थे जिनमें एक से बढ़कर एक फैसिलिटी हुआ करती थी। और इस टैफोफोबिया वाले डर का इस्तेमाल ताबूत बनाने वाले लोगों ने जमकर किया। नॉर्मल ताबूतों का तो धंधा ही बंद हो गया था एक समय पर, लोग इतना ज्यादा डर गए थे इन सब घटनाओं से कि हर कोई अपने लिए स्पेशल घंटी वाला ताबूत ही बनवाता था। चलिए अब बात करते हैं कि एक्चुअल में जूलिया के साथ हुआ क्या था। जूलिया के साथ जो घटना घटी थी उसके बारे में उस टाउन के सभी लोगों को धीरे धीरे पता चल गया। इस घटना के करीब 2 हफ्ते बाद जूलिया के घर पर एक काफी बुजुर्ग इंसान आए और उन्होंने बताया कि जूलिया जिस कब्र के पास गई थी वो कब्र एक चुड़ैल की थी, मतलब पुराने जमाने में एक औरत थी जिसे लोग चुड़ैल माना करते थे। लोगों का ऐसा विश्वास था कि वो काला जादू करती थी, और जब उसकी मौत हुई तो लोगों ने उसको कब्रिस्तान में दफनाने की बजाय सुनसान जंगल में दफना दिया। लेकिन चूंकि लोगों को ये डर था कि ये चुड़ैल कहीं फिर से जिंदा ना हो जाए, तो उन्होंने उसके कब्र के बाहर एक घंटी लगा दी और उस घंटी की रस्सी को उस चुड़ैल की बॉडी के साथ बांध दिया कि अगर ये बॉडी थोड़ा सा भी मूवमेंट करेगी तो घंटी बज जाएगी। और वहां पर उन्होंने बिठाल दिया था एक चौकीदार जो घंटी के बजते ही सभी गांव वालों को बुला सकता था, ताकि गांव वाले उस चुड़ैल को बाहर आने से पहले ही फिर से ऊपर पहुंचा दें। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, वो घंटी कभी नहीं बजी। कई साल बीत गए, लेकिन अब अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने में आती है कि उस जगह पर वो जो कब्र है उसकी घंटी अचानक अपने आप बजने लगती है। ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या वो घंटी हवा की वजह से बजने लगती है, ये
बात कोई नहीं जानता। उस कब्र के अंदर वो चुड़ैल की जो लाश है वो तो अब तक कंकाल बन चुकी होगी। हो सकता है उस कब्र के अंदर कुछ चूहे रहते हो जिनके मूवमेंट्स की वजह से वो रस्सी हिलती हो और घंटी अपने आप बच जाती हो। क्या रीजन जो भी हो, ये जो घटना जूलिया के साथ घटी थी ये काफी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। और मैं तो यही कहूंगा कि भैया अगर आपको जंगल में ऐसी कोई कब्र या कोई घंटी दिखाई देती है तो उससे दूर ही चले जाना। ये पता लगाने की कोशिश मत करने लगना कि ये घंटी चूहे बजा रहे हैं या भूत। कहीं ऐसा ना हो कि इस राज का पर्दाफाश करते करते आप ही। समझदार को इशारा काफी होता है। तो भैया शायद इसीलिए इंडिया में जब कोई इंसान मरता है तो उसकी लाश को जला ही देते हैं। गड़ाने वड़ाने का सिस्टम ही नहीं है कि जब जलाएंगे और अगर आदमी कोमा में होगा या बेहोश होगा तो अपने आप उठकर भाग खड़ा होगा, और अगर सच में मर गया होगा तो फिर जल ही जाएगा। एनीवे मैं किसी धर्म या आस्था पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया जलाना बेस्ट है और गड़ाना बेस्ट नहीं है। यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू केवल ये इतिहास की घटनाओं से रिलेटेड है कि जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था तब गड़ाने की वजह से लोगों के साथ ऐसे ऐसे हादसे हो जाते थे। अगर आपकी मर्जी है जलाओ गड़ाओ जो चाहे वो करो, लेकिन एक काम जरूर कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही पाड़ू वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार मैं जा रहा हूँ, मेरे घर के आंगन में एक घंटी लगी हुई है वो बज रही है, देख के आता हूँ कौन हिला रहा है उसको। मिलते हैं अगले पाड़ू वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो से पहले आया था रियल घोस्ट का पार्ट 18, अगर आपने मिस कर दिया हो तो यहीं कहीं दिख रहा होगा, उसे देख डालना और मुझे बताना कि भाई कैसा लगा।